समाजवादी पार्टी में पश्चिम यूपी को लेकर मंथन जारी है और एस जी हसन अतुल प्रधान समेत कई नेता सपा कार्यालय में मंथन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी कार्यालय में मौजूद है और इस बैठक में पश्चिम यूपी के बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे रामपुर मुरादाबाद बुलंदशहर मेरठ और मुजफ्फरनगर जिले के पदाधिकारी पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है सभी पार्टियां लगातार बैठक कर रही हैं तो समाजवादी पार्टी भी लगातार बैठक का दौर जारी है हम इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं जहां पर आज पश्चिम यूपी की जो सीटें हैं उनको लेकर मंथन किया जा रहा है अगर बात करें हम तो एस हसन अतुल प्रधास समेत कई बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव भी आए थे लेकिन किसी वजह से वो यहाँ से जा चुके हैं ये बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में अखिलेश यादव भी आ सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम यूपी की अगर बात करें तो वहाँ की जो सीटें हैं उसकी मजबूती को लेकर आज ये बैठक की जा रही है तो समाजवादी पार्टी कार्यालय में जो बैठक है वो चल रही है बड़े नेता अगर बात करें दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद है रामपुर मुरादाबाद बुलंदशहर मेरठ और मुजफ्फरनगर ज़िलों के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं इस बैठक में शामिल हुए हैं तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर चल रही है तो कहीं ना कहीं जो पश्चिम यूपी की सीट है उसकी मजबूती को लेकर आज ये बैठक की जा रही है अखिलेश यादव भी कुछ देर में पहुंच सकते हैं शिवपाल यादव यहां पर आए थे लेकिन किसी वजह से वो यहां से जा चुके हैं एसटी हसन मौजूद हैं जो भी बड़े नेता हैं पश्चिम के वो आज बैठक कर रहे हैं अब जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जारी है लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है अब देखना होगा कि एन और पी की जो लाई है यूपी में वो कितनी कारगर होती है और कौन मजबूती से सामने उतर कर आता है लखनऊ से सफेमत अनादिट